Hello friends, in this video we shall learn to make past tense sentences. Jo kaam ho gaya वैसे सेंटेंसेस हम बनाने को सीखेंगे. अगर आप प्रेजेंट टेंस सेंटेंसेस सीखना चाहते हो तो आप मेरा इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं. तो आइए शुरुआत करते हैं पास्ट टेंस सेंटेंसेस से. सुनीता गांव गई. सुनीता वेंट टू विलेज. राम ने आम खाया. राम एट मैंगो. सुनील ने ईमेल लिखा. सुनील रोट द मेल. उसने नौकरी छोड़ दी. ही लेफ्ट द जॉब. आपने सहयोग नहीं किया. यू डिड नॉट कोऑपरेट. उसने किराया नहीं चुकाया. शी डिड नॉट पे द रेंट. क्या वे पिकनिक पर गए. डिड दे गो फॉर पिकनिक. क्या आपने किताब नहीं खरीदी. Did you not buy the book? Now let us learn how to make simple past tense sentences. Simple past tense के sentence बनते कैसे हैं? तो subject के लिए हमारे पास में 7 common pronouns होते हैं. I, मैं, वी, हम, यू, आप, दे, वे, ही, वह, पुरुष, शी, वह, स्त्री, इट, कोई भी निर्जीव चीज या जिसका हमें लिंग पता नहीं होता है. फिर और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे बॉय, लड़का, गर्ल, लड़की, मेन, अनेक पुरुष, वुमेन, एक स्त्री, कैट, डॉग, कार और इत्यादि इत्यादि चीजें. किसी आदमी का नाम भी हो सकता है. अब क्रिया. सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग प्रेजेंट टेंस की क्रिया यूज करते थे. सिंपल पास्ट टेंस में हम पास्ट टेंस की क्रिया यूज करते हैं. प्रेजेंट टेंस में हमने क्रिया यूज की ईट, खाना, सिंग, गाना, प्ले, खेलना, रीड, पढ़ना, राइट, लिखना, ड्रिंक, पीना, गो, जाना, वॉच, नजर रखना, कैच, पकड़ना, पंच, मुक्का मारना, फ्लाई, उड़ना, उड़ाना, क्राई, रोना, ड्राई, सूखना, सुखाना. अब इनके पास्ट टेंस, वी आर यूजिंग द पास्ट टेंस एट. खाया, सैंग, गाया, प्लेड, खेला, रेड, पढ़ा, रोट, लिखा, ड्रैंक, पिया, वेंट, गया, वॉच्ड, नजर रखा, कॉट, पकड़ा, पंच्ड, मुक्का मारा, फ्लू, उड़ा, उड़ाया, क्राइड, रोया, ड्राइड, सूखा, सुखाया. लेट अस लर्न फ्रेमिंग द सेंटेंसेस. इन सिंपल प्रेजेंट टेंस वी हैव सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. Verb is in first form. In simple past tense, the verb is in the second form. Now let us frame some sentences. In simple present tense, eat, present tense of the verb. In past tense, ate, past tense of the verb. Present tense mein go, present tense of the verb. Past tense mein went. Fly, present tense. Flew, past tense. Now we can take any subject. I, we, boys. I
I eat mango, मैं mango खाता हूँ. I ate mango, मैंने mango खाया. We go to temple, हम मंदिर जाते हैं. We went to temple, हम मंदिर गए. Boys fly kite, लड़के पतंग उड़ाते हैं. Boys flew kite, लड़कों ने पतंग उड़ाई. Now we will make negative sentences. Negative sentences में present tense में do or does लगता है और past tense में did लगता है. I eat mango, मैं mango खाता हूँ. I do not eat mango, मैं mango नहीं खाता हूँ. We go to temple, हम मंदिर जाते हैं. We don't go to temple, हम मंदिर नहीं जाते हैं. Boys fly kite, लड़के पतंग उड़ाते हैं. Boys do not fly kite, लड़के पतंग नहीं उड़ाते हैं. Past tense में did का इस्तेमाल होता है. He did not eat mango. अब ate का eat हो जाता है क्योंकि यहाँ पे did बताता है ये past tense का sentence है, तो verb present tense में आ जाता है. We didn't go to temple. Went का go हो जाता है. Boys did not fly kite. He did not eat mango. उसने mango नहीं खाया. We didn't go to temple. हम मंदिर नहीं गए. Boys did not fly kite. लड़कों ने पतंग नहीं उड़ाया. Now let us learn with a present tense and past tense example. मुझे आपकी मदद चाहिए. I need your help. This is present tense. मुझे आपकी मदद चाहिए थी. I needed your help. This is past tense. वह देर से आता है. He comes late. This is present tense. वह देर से आया. He came late. This is past tense. मैं फीस भरता हूँ. I pay the fees. Present tense. मैंने फीस भर दी. I paid the fees. Past tense. जहाज दुर्घटना की वजह से डूबता है. Ship sinks due to accident. Present tense. टाइटैनिक दुर्घटना की वजह से डूबा. टाइटैनिक sank due to accident. This is past tense. सब बच्चे जोर से हंसते हैं. All children laugh loudly. Present tense. सब बच्चे जोर से हंसे. All children laugh loudly. Past tense. माँ खाना पकाती है. Mother cooks food. Present tense. माँ ने खाना पकाया. Mother cooked food. Past tense. बच्चे खुशी से ताली बजाते हैं. Children clap with joy. Present tense. बच्चों ने खुशी से ताली बजाई. Children clapped with joy. Past tense. सलमान खान बेखबरी से गाड़ी चलाता है. सलमान खान drives carelessly. Present tense. सलमान खान ने बेखबरी से गाड़ी चलाई. सलमान खान ड्रव केयरलेसली. पास्ट टेंस. नाउ नेगेटिव सेंटेंसेस. सुनीता केक नहीं बनाती है. सुनीता डज नॉट मेक द केक. प्रेजेंट टेंस. सुनीता ने केक नहीं बनाया. सुनीता डिड नॉट मेक द केक. पास्ट टेंस. वह मेरी किताब नहीं लेता है. He does not take my book. Present tense. उसने मेरी किताब नहीं ली. He did not take my book. Past tense. हमें पाठ समझ में नहीं आता है. We do not understand the lesson. Present tense. हमें पाठ समझ में नहीं आया. We did not understand the lesson. Past tense. मैं उससे थप्पड़ नहीं मारता हूँ.
I do not slap him, present tense. मैंने उसे थप्पड़ नहीं मारा. I did not slap him, past tense. सुनील इंग्लिश नहीं बोलता है. सुनील does not speak English, present tense. सुनील इंग्लिश नहीं बोला. सुनील did not speak English, past tense. मैं उससे पैसे उधार नहीं लेता हूँ. I do not borrow money from him, present tense. मैंने उससे पैसे उधार नहीं लिए. I did not borrow money from him, past tense. बच्चा रोता नहीं है. The child does not cry, present tense. बच्चा नहीं रोया. The child did not cry, past tense. मैं उससे नहीं देखता हूँ. I do not see him, present tense. मैंने उसे नहीं देखा. I did not see her, past tense. Now, framing questions, interrogative sentences. The sentences we take, I went to temple and he spoke English. Now, how to make interrogative sentences? Did. We start the sentence with did, auxiliary. Did I go to temple? As soon as did is introduced in the sentence, the verb change into present tense form and a question mark. Did he speak English? And a question mark. Sentence starting with did means kya? Did I go to temple? Kya main mandir gaya? Did he speak English? Kya usne English mein baat ki? Now the negative sentences. Did I not go to temple? Kya main mandir nahi gaya? Did he not speak English? क्या उसने इंग्लिश में बात नहीं की? Now, let us learn with some examples. क्या वे अपने नए घर में गए? Did they shift to their new home? क्या वो अपने दस्तावेज लाया? Did he bring his documents? क्या आपने नए काम के लिए अर्जी की? Did you apply for the new job? क्या आपने फिल्म देखी? Did you watch the movie? क्या उसने काम पूर्ण किया? Did she complete the work? क्या वह समय पर पहुंचा? Did he reach on time? क्या वह कॉलेज गई? Did she go to college? क्या उसने दाखिला मिला? क्या उसे दाखिला मिला? Did he get the admission? क्या उसने परीक्षा के लिए योग्यता प्राप्त नहीं की? Did he not qualify for the exam? क्या उसने नई कार नहीं खरीदी? Did he not buy the new car? क्या उसने पेंटिंग नहीं बनाई? Did he not make the painting? क्या उन्हें खाना पसंद नहीं आया? Did they not like the food? क्या वह तुम्हें मार्केट में नहीं मिला? Did he not meet you in the market? क्या आपने टैक्स नहीं अदा किया? Did you not pay the tax? क्या उसने आपकी कहानी पर विश्वास नहीं किया? Did she not believe your story?
क्या उसने कैमरा नहीं खरीदा? Did he not buy the camera? Now question type 2. Why, where, when, how? Why यानी कि क्यों, where कहाँ, when कब और how कैसे? Sentence है, Did I go to temple? क्या मैं मंदिर गया? Did he speak English? अभी क्वेश्चन टाइप 2 जो है व्हाई वेयर व्हेन हाउ, ये डिड के भी आगे लगा। फॉर एग्जांपल व्हाई, क्यों, व्हाई डिड आई गो टू टेंपल, मैं मंदिर क्यों गया। व्हाई डिड आई नॉट गो टू टेंपल, मैं मंदिर क्यों नहीं गया। व्हाई डिड ही स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश क्यों बोला। Why did he not speak English? वो इंग्लिश क्यों नहीं बोला। Where? कहाँ? Where did I go to temple? मैं मंदिर कहाँ गया। Where did I not go to temple? मैं मंदिर कहाँ नहीं गया। Where did he speak English? वो इंग्लिश कहाँ बोला। Where did he not speak English? वो इंग्लिश कहाँ नहीं बोला। When? When यानी कि कब। When did I go to temple? मैं मंदिर कब गया। When did I not go to temple? मैं मंदिर कब नहीं गया। When did he speak English? वो इंग्लिश कब बोला। When did he not speak English? वो इंग्लिश कब नहीं बोला। How? कैसे। How did I go to temple? मैं मंदिर कैसे गया। How did I not go to temple? मैं मंदिर कैसे नहीं गया। How did he speak English? वो इंग्लिश कैसे बोला। How did he not speak English? वो इंग्लिश कैसे नहीं बोला। Now the questions which and whose. Which and whose is immediately followed by object, then did and negative sentence not, then subject and verb. Which book did she buy? The objects comes after which. Which book did she buy? उसने कौन सी किताब खरीदी। Whose book did you buy? आपने कौन सी किसकी किताब खरीदी। Which book did she not buy? उसने कौन सी किताब नहीं खरीदी। Whose book did you not buy? आपने किसकी किताब नहीं खरीदी। अब सेंटेंसेस। आपने घर कब साफ किया। When did you clean your home? वो पता कैसे भूल गया। How did he forget the address? उसने स्कूल क्यों छोड़ दिया। Why did she leave the school? आप उसको कहाँ मिले। Where did you meet him? वे मैच कैसे हार गए। How did they lose the match? आप कौन सा संगीत सुनते हो। Which music do you listen to? आप स्कूल कब गए। When did you go to school? आप क्लास कैसे चूक गए। How did you miss the class? आपको किसकी ड्रेस पसंद आई। Whose dress did you like? अमेरिका का शोध किसने किया। Who discovered America? आप जल्दी सोने क्यों चले गए। Why did you go to bed early? बारिश कब बंद हुई।
When did the rain stop? उसने घर के अंदर कैसे प्रवेश किया? How did he enter the room? उसको लड़का कहाँ मिला? Where did he find the boy? आपने कौन सा विषय चुना? Which subject did you choose? आपने प्रोजेक्ट कब दिया? When did you submit the project? आपने प्रोजेक्ट किसे दिया? Whom did you submit the project? आपको कैसे पता चला? How did you come to know? उसने फाइल क्यों फाड़ दी? Why did he tear the file? उसने उंगली कैसे काट दी? How did he cut his finger? आपने मोबाइल कहाँ से खरीदा? From where did you buy the mobile? उसने पार्टी कब छोड़ी? When did she leave the party? उसने कपड़े कहाँ सुखाए? Where did she dry the clothes? उसने कौन सा घर खरीदा? Which house did he buy? Now, let us see how many sentences do you remember? आपको कितने sentences याद हैं? मुझे आपकी मदद चाहिए। I need your help. मुझे आपकी मदद चाहिए थी। I needed your help. वह देर से आता है। He comes late. वह देर से आया। He came late. मैं फीस भरता हूँ। I pay the fees. मैंने फीस भर दी। I paid the fees. जहाज दुर्घटना की वजह से डूबता है। Ship sinks due to accident. टाइटैनिक दुर्घटना की वजह से डूबा। टाइटैनिक सैंक ड्यू टू एक्सीडेंट। सब बच्चे जोर से हंसते हैं। ऑल चिल्ड्रन लाफ लाउडली। सब बच्चे जोर से हंसे। All children laugh loudly. माँ खाना पकाती है। Mother cooks food. माँ ने खाना पकाया। Mother cooked food. बच्चे खुशी से ताली बजाते हैं। Children clap with joy. बच्चों ने खुशी से ताली बजाई। Children clapped with joy. सलमान खान बेखबरी से गाड़ी चलाता है। सलमान खान ड्राइव्स केयरलेसली। सलमान खान ने बेखबरी से गाड़ी चलाई।
सलमान खान ड्राइव केयरलेसली। सुनीता केक नहीं बनाती है। सुनीता डज नॉट मेक केक। सुनीता ने केक नहीं बनाया। सुनीता डिड नॉट मेक द केक। वह मेरी किताब नहीं लेती है। शी डज नॉट टेक माई बुक। उसने मेरी किताब नहीं ली। शी डिड नॉट टेक माई बुक। हमें पाठ समझ में नहीं आता है। वी डू नॉट अंडरस्टैंड द लेसन। हमें पाठ समझ में नहीं आया। वी डिड नॉट अंडरस्टैंड द लेसन। मैं उसे थप्पड़ नहीं मारता हूं। I do not slap him. मैंने उसे थप्पड़ नहीं मारा। I did not slap him. सुनील इंग्लिश नहीं बोलता है। सुनील does not speak English. सुनील इंग्लिश नहीं बोला। सुनील डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। मैं उससे पैसे उधार नहीं लेता हूं। आई डू नॉट बोरो मनी फ्रॉम हिम। मैंने उससे पैसे उधार नहीं लिए। I did not borrow money from him. बच्चा नहीं रोता है। The child does not cry. बच्चा नहीं रोया। The child did not cry. मैं उससे नहीं देखता हूं। I do not see him. मैंने उससे नहीं देखा। I did not see her. क्या वे अपने नए घर में गए? Did they shift to their new home? क्या वो अपने दस्तावेज लाया? दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट्स। Did he bring his documents? क्या आपने नए काम के लिए अर्जी की? Did you apply for the new job? क्या आपने फिल्म देखी? Did you watch the movie? क्या उसने काम पूर्ण किया? Did she complete the work? क्या वह समय पर पहुंचा?
Did he reach on time? क्या वो कॉलेज गई? Did she go to college? क्या उसे दाखिला मिला? Did he get the admission? क्या उसने परीक्षा के लिए योग्यता प्राप्त नहीं की? Did he not qualify for the exam? क्या उसने नई कार नहीं खरीदी? Did he not buy the new car? क्या उसने पेंटिंग नहीं बनाई? Did he not make the painting? क्या उन्हें खाना पसंद नहीं आया? Did they not like the food? क्या वह तुम्हें मार्केट में नहीं मिला? Did he not meet you in the market? क्या आपने टैक्स नहीं अदा किया? Did you not pay the tax? क्या उसने आपकी कहानी पर विश्वास नहीं किया? Did she not believe your story? क्या उसने कैमरा नहीं खरीदा? Did he not buy the camera? आपने घर कब साफ किया? When did you clean your home? वो पता कैसे भूल गया? How did he forget the address? उसने स्कूल क्यों छोड़ दी? Why did she leave the school? आप उसको कहाँ मिले? Where did you meet him? वे मैच कैसे हार गए? How did they lose the match? आप कौन सा संगीत सुनते हो? Which music do you listen to? आप स्कूल कब गए? When did you go to school? आप क्लास कैसे चूक गए? How did you miss the class?
आपको किसकी ड्रेस पसंद आई? Whose dress did you like? अमेरिका का शोध किसने किया? Who discovered America? आप जल्दी सोने क्यों चले गए? Why did you go to bed early? बारिश कब बंद हुई? When did the rain stop? उसने घर के अंदर कैसे प्रवेश किया? How did he enter the room? उनको लड़का कहाँ मिला? Where did they find the boy? आपने कौन सा विषय चुना? Which subject did you choose? आपने प्रोजेक्ट कब दिया? When did you submit the project? When did you submit your project? आपने प्रोजेक्ट किसे दिया? Whom did you submit the project? आपको कैसे पता चला? How did you come to know? उसने फाइल क्यों फाड़ दी? Why did he tear the file? उसने उंगली कैसे काट दी? How did he cut his finger? आपने मोबाइल कहाँ से खरीदा? From where did you buy the mobile? उसने पार्टी कब छोड़ी? When did she leave the party? उसने कपड़े कहाँ सुखाए? Where did she dry the clothes? उसने कौन सा घर खरीदा? Which house did he buy? सुनीता गांव गई। सुनीता went to village. राम ने आम खाया। राम ate mango. सुनील ने ईमेल लिखा। सुनील रोड द ईमेल। उसने नौकरी छोड़ दी। ही लेफ्ट द जॉब। आपने सहयोग नहीं किया।
यू डिड नॉट कोऑपरेट, उसने किराया नहीं चुकाया। She did not pay the rent. क्या वे पिकनिक गए? Did they go for picnic? क्या आपने किताब नहीं खरीदी? Did you not buy the book? Friends, if you like my video, subscribe for it, share it with your friends, and don't forget to like it and comment on it. For more details, visit my YouTube channel Ikta Skills and improve your English knowledge. Thank you. Keep learning. Have a nice day.